नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में हूं, जहां आज रोलबॉल अंडर 11 के सिलेक्शन ट्रायल चल रहे थे और हमारे साथ हैं दिल्ली के सेक्रेटरी संजीव जी। आइए उनसे जानते हैं इस खेल के बारे में और आने वाले नेशनल गेम्स के बारे में भी उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सर, अभी आपकी आज मैं देख रहा था अंडर 11 का ट्रायल चल रहा था, तो इस नेशनल कहाँ होने वाला है और कौन कौन सी टीम जाने वाली है आपकी? ये अंडर 11 है और ये ऑल इंडिया लेवल पे है। इसमें देश के सभी राज्यों की टीमें आएंगी। दिल्ली की बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की टीमें जाएंगी। अंडर 11 है, ये तमिलनाडु में होने जा रहा है। ये सर, आने वाले 2 या 2.5 महीने बाद नेशनल गेम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए दिल्ली सीनियर टीम की क्या तैयारी चल रही है? एक्चुअली नेशनल गेम में हमारी दिल्ली की दोनों टीमें जो हैं क्वालिफाई नहीं हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग जो टाइम था वो पिछले साल का लिया जा रहा है। उस समय हमारे कोविड वाले टाइम के अंदर टीमों की तैयारी नहीं थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है कोविड का वो था, कहीं प्रैक्टिस बच्चे कर नहीं पाते थे, तो इसलिए हमारी टीम जो है वो क्वालिफाइंग नहीं है दोनों। अगर आगे कुछ प्लान करा है? राइट, हाँ जी, हमारी प्लानिंग है कि ये वाला नेशनल गेम जैसे अक्टूबर में होने जा रहा है, और नेक्स्ट जो है, क्योंकि ये लेट है और इस कारण नेक्स्ट जो नेशनल गेम है वो उत्तराखंड में होगा नेक्स्ट ईयर। तो हमारी तैयारी ये है कि हम सीनियर के अंदर जो है वो अपनी जगह बनाएंगे, जिससे कि हम क्वालिफाई कर सकें नेक्स्ट नेशनल गेम के लिए। अभी वैसे दिल्ली की टीम जो है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत में नेशनल ही था, वो भी जोन वाइज, जो मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें दिल्ली की टीम ने पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें दिल्ली जो है वो गोल्ड लेके आई थी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि ऐसा नहीं है कि हमारी टीम जो है वो कमज़ोर है, हम आने वाले दिनों के अंदर नेशनल गेम में भी गोल्ड लेके आए। सर, कई बार देखा गया कि स्केटिंग से जुड़े लोगों को बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है, क्या रोल बॉल उससे अलग है या बिल्कुल सेम स्केटिंग की तरह ही है ये? रोल बॉल स्केटिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें बॉल कॉम्बिनेशन है, बास्केटबॉल हैंडबॉल का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो बेस जो है वो स्केटिंग है, लेकिन इसमें रोल बॉल खेलने के लिए बास्केटबॉल और हैंडबॉल का होना भी ज़रूरी है, तो इसलिए हैंडबॉल और बास्केटबॉल वाले प्लेयर भी इसमें खेल सकते हैं। सर, आने वाले 5 साल में आप दिल्ली रोल बॉल को कहाँ देखते हैं? हमें अभी 2 साल से ही दिल्ली को एफिलिएशन मिली है इस गेम में, और हमने उस 2 सालों के अंदर एक हमारी अचीवमेंट रही है कि हमने दिल्ली ओलंपिक से इसको रिकॉग्नाइज करवा लिया है, और जब भी अब दिल्ली ओलंपिक होंगे तो हमारी रोल बॉल भी उसमें इन्वॉल्व होगी। दूसरी बात ये कि अभी जैसे आपको पता है कि नेशनल गेम में फर्स्ट टाइम जो है वो रोल बॉल को इन्वॉल्व किया गया है, तो हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है फेडरेशन की तरफ से कि फेडरेशन ने बहुत बड़ा गोल अचीव करा है रोल बॉल के लिए। खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और निश्चित है कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को जॉब मिलेगी, और जॉब अभी भी जो है बहुत सारे खिलाड़ियों को मिल रही है, क्योंकि भारत सरकार से रिकॉग्नाइज गेम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।